पांचवें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, श्रीकांत शिंदे, राजीव प्रताप रूढ़ी, पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों की किस्मत पर वोटिंग लगातार चल रही है। जनता की ओर से मतदान किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है, पांचवें चरण में 47.53% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में दोपहर 3 बजे तक 47.55% मतदान हुआ है। ओडिशा में दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत 48.95% है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक का 38.77% है। कुछ इलाकों में कम वोटिंग, जिसको लेकर सवाल आदित्य ठाकरे की ओर से उठाए जा रहे हैं। लद्दाख में दोपहर 3 बजे तक 61.26% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा तेज दोपहर 3 बजे तक 47.53% वोटिंग हो चुकी है पांचवें चरण के मतदान में। उम्मीद यही कि जैसे जैसे अभी शाम ढलेगी, कतारें और ज्यादा बढ़ेंगी, वोटर्स वोट डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये उनके लिए 5 साल में एक बार का सुनहरा मौका है। फिलहाल कई हिस्से हैं जहां पर अभी भी वोटरों का इंतजार है, तो कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट, फिर अपने संवाददाताओं के पास आपको लेकर जाएंगे, अपडेट कराएंगे, जानेंगे किस तरह से बह रही है चुनावी हवा। स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके जरिए जानेंगे आज के मतदान प्रतिशत को लेकर क्या बता रहा है चुनाव का मिजाज। लेकिन उसके पहले आज दिन भर किस तरह से हुई है वोटिंग, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी कैसे जारी रहे, उसको बताते हुए ये रिपोर्ट देखिए। न थके नहीं रुके, बूथों पर लंबी कतार सुबह से यही बता रही है। धूप चाहे जितनी हो, दिन भर सूरज चाहे आग जितना उगलता रहे, लेकिन वोटरों के जोश में कमी नहीं रही। लोकसभा चुनाव के पांचवें फेज में दिन भर नजारा कुछ यूं दिखा। लोकसभा की 543 में से पांचवें फेज में आज हो रही 49 सीटों पर वोटिंग को जोड़ लें, तो आज 428 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। वोट डालने वालों में मोदी के मंत्री भी रहे। कहीं किसी की किस्मत दांव पर लगी है, तो कहीं उनकी पार्टी की साख दांव पर है। आज 3 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। हालांकि सबकी निगाहें रायबरेली और अमेठी की हॉट सीट पर टिकी हैं, जहां उम्मीदवारों ने जोश दिखाया और लोगों से सुबह में ही वोट करने की अपील कर डाली। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही? नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में, तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। पांचवें चरण में देश की करीब 9% सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिस यूपी से दिल्ली का रास्ता साफ होता है, वहां के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को लेकर जीत का दावा ठोक दिया। हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीट। हमारे सब कैंडिडेट्स बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और सभी लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट पिछली बार से ज्यादा अच्छा है। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है, जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। महाराष्ट्र में भी वोट डालने के लिए लोग घरों से निकले। मुंबई में सुबह सुबह अक्षय कुमार मतदान केंद्र पर पहुंचे, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी परिवार के साथ आए,
बेटी मेघना गुलजार का हाथ थामे गीतकार गुलजार भी बूथ पर पहुंचे। ये सिलसिला जारी है। सुभाष घई, सुनील शेट्टी, राजकुमार राव, रणदीप हुड्डा ने भी मतदान किया। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। इस फेज में 13 सीटों के साथ दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव, और सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कमेटी जो है 5 साल के बाद में मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। वोट दो, घर जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपका हक भी है, जरूर वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। धारा 370 से कश्मीर को आजादी मिलने के बाद पहली बार होते चुनाव में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पांचवें चरण में आज कश्मीर की बारामूला सीट पर वोटिंग हो रही है, जहां 2019 के मतदान का रिकॉर्ड वोटर तोड़ चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक बारामूला में 34.69% वोटिंग हो चुकी है, जबकि 2019 में यहां 34.60% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा मतदान 1996 में यहां हुआ था। 2019 और 2024 इसमें काफी फर्क है। 2019 में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इतने लोगों ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार 2024 में जितने भी वोटर हैं हर एक चाहता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बायकॉट नहीं करेंगे, इस बार सभी वोट डालेंगे। इंशाल्लाह हमारा वोट जाया नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। भरोसा है कि वोटिंग के जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो 28 साल पुराना वो रिकॉर्ड भी कश्मीर में बारामूला के लोग लोकतंत्र पर भरोसे की लंबी लकीर के साथ तोड़ देंगे। बारामूला में 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं और यहां उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन मुख्य उम्मीदवार हैं। सेंटर ने तो बहुत दावे किए, अगर उनका एक भी दावा सही होता तो बीजेपी के उम्मीदवार इस मैदान में होते। उनको जरूरत नहीं पड़ती कि अपने बी टीम सी टीम की मदद लें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है उनका उम्मीदवार है नहीं मैदान में, क्योंकि उनका कोई भी दावा जो है वो सही या सच नहीं है। लोकतंत्र के चुनावी महापर्व में अभी देश 5 कदम चला है, 2 कदम और बाकी हैं, यानी 25 मई को 6ठे और 1 जून को 7वें चरण के वोट पड़ेंगे। लेकिन 4 जून को ही पता चल पाएगा किस पार्टी की कितनी रफ्तार रही और कौन किस फेज में ही हाफते हाफते चुनावी रिले रेस से पहले ही बाहर हो गया। आज तक ब्यूरो।